गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हो? अच्छे हो? हाँ, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। हाँ, आप भी सभी दूसरी कक्षा में हो और हमारा भी हिंदी का पीरियड है जो आपको बहुत अच्छा लगता है। हाँ, मुझे मालूम है। तो बच्चों, आज हम कुछ रिविजन करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? आज हम रिविजन करने वाले हैं। आज हम रिविजन करने वाले हैं और ये रिविजन हम ऊ से रू की मात्रा तक करेंगे। ठीक है, तो हमने इससे पहले कई सारे मात्राओं का अध्ययन किया है। अमात्रिक शब्द, आपकी मात्रा, छोटे ए की मात्रा, बड़े ए की मात्रा, उसके बाद हमने छोटे ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा और रू की मात्रा, इतने सारे मात्राओं का हमने अध्ययन किया है। ठीक है बच्चों, तो अभी इसकी हम रिविजन करेंगे। हाँ, तो आप यदि यहाँ पे देखेंगे ब्लैकबोर्ड पे, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ध्यान दो, तो यह है हमारा छोटा ऊ। ठीक है, और ये है छोटे ऊ की मात्रा। तो ये मात्रा जो है, ये मात्रा आपको अच्छी तरीके से पहचानी अभी आ रही है। इसकी पहचान आपको अच्छी तरीके से अभी आ रही है। ठीक है, और ये ऊ की मात्रा के कई सारे शब्द आपने अपनी नोटबुक पे भी लिखे हैं। लिखे है सबने? इस तरह से आपके पास नोटबुक होगी, उसमें आपने ये शब्द लिखे होंगे। तो पेज नंबर जो हमारा 31 है, 31, उस पे जो छोटे ऊ की मात्रा के शब्द है वो आपने अच्छी तरीके से गुड हैंडराइटिंग में लिखे होंगे, है ना? हाँ। उसके बाद हमारी दूसरी मात्रा है बड़े ऊ की मात्रा। तो ये मात्रा इस तरह से आती है। ठीक है, और ये बड़े ऊ की मात्रा का मात्रा के जो शब्द है वो पेज नंबर 36 और 37 पे है। ठीक है बच्चों, और जब मैंने आपको बड़े ऊ की मात्रा का मात्रा की पहचान करवाई थी, उसका हम सबने मिलकर अध्ययन किया था, तब मैंने आपको बताया था कि जो वर्ण हमारा र है, उस र वर्ण को छोटे ऊ की मात्रा और बड़े ऊ की मात्रा किस प्रकार आती है, आती है ना? हाँ, तो वो मात्रा र वर्ण के पेट में लगती है। ठीक है, तो ये अभी आपको मालूम है और आपने अच्छे से नोटबुक में वो शब्द लिखे हुए भी हैं, है ना? वेरी गुड। उसके बाद हमारी मात्रा आती है रू की। तो रू की मात्रा के जो शब्द है वो है पेज नंबर 42 पर, जो आपने अपनी नोटबुक में लिखे हुए हैं, है ना? हाँ। तो बच्चों, ये मात्रा जब, इन मात्राओं का जब हमने अध्ययन किया, इन मात्राओं का जब हमने परिचय किया, उनकी पहचान की, तो अब हमें ये मात्रा अच्छी तरीके से क्या हो रही है, समझ में आ रही है। उनका इस्तेमाल हमें किस प्रकार करना चाहिए ये हमें अभी मालूम है। तो रिविजन में मैं आपको क्या पूछने वाली हूँ? हाँ, तो रिविजन आपको इसीलिए चाहिए क्योंकि आपको जब एग्जाम देनी होगी तो अच्छी तरीके से ये आपको बताना आना चाहिए। ठीक है, हमारी कोई रिटर्न एग्जाम नहीं होगी, हमारी होगी तो सिर्फ ओरल एग्जाम होगी। हाँ, मैं आपको सवाल पूछूंगी, उस सवाल के आपको जवाब मुझे देने होंगे। ठीक है, तो मैं कौन कौन से, किस प्रकार के सवाल आपको पूछने वाली हूँ? तो देखो बच्चों, हम क्या लिखे, नीचे लिखे शब्दों को बोलकर पढ़ो। मैं आपको कुछ शब्द बताओ दिखाऊंगी लिखे हुए, तो वो आपको अच्छे तरीके से पढ़ने अभी आने चाहिए। ठीक है, उसके बाद नीचे दिए गए चित्रों को पहचान कर उनके नाम बताओ। यानी कि जब हमने ये मात्राओं का अध्ययन किया था, तब हमने कई सारे चित्र भी देखे थे ना? हाँ, हमारे टेक्स्ट बुक में, पाठ्य पुस्तक में कई सारे चित्र हैं और इन चित्रों को अभी आपको पहचान करनी है। हाँ, उसके बाद का सवाल है पाठ का वाचन करो। तो आप सोच पड़ जाओगे किस पाठ का वाचन करना है। तो बच्चों, हमने जो कहानियां सुनी, मैंने आपको जो कहानियां बताई थी, जो पढ़कर सुना,
है। हाँ ये कहानी ही हमारा पाठ है। उसके बाद ऊ की मात्रा की कहानी कौन सी है? कालू भालू। हाँ और ऊ की मात्रा की कहानी कौन सी है? मृग छिप गया। तो ये जो कहानियां है यानी कि हमारे जो पाठ है उसका वाचन आपको अभी करना पड़ेगा। धीरे धीरे आप अभी पढ़ना सीख लो, अच्छी तरीके से सीख लो, ठीक है बच्चों? हाँ। उसके बाद का हमारा सवाल है कविता गाकर सुनाओ। तो ये कविता कौन सी है? हाँ तो हमने कई सारी कविताओं को भी सीखा था ना। हाँ कौन सी देखो तो आजादी की धूम। हाँ और कई सारी कविता हमने क्या की थी? अच्छी तरीके से क्या की थी? गाकर मैंने आपको सुनाई थी तितली आई वगैरह, है ना। हाँ तो हमारे पाठ्य पुस्तक में हमारे किताब में जो भी कविताएं हैं जो रूप की मात्रा तक हमारी हो चुकी है उनका वाचन आपको करना है और कविता को आपको अच्छे तरीके से गाना है। हाँ ठीक है। और उसके बाद हमारा सवाल है मात्रा छोटे ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा और रू की मात्रा के शब्द बताओ। तो अभी हम रिवीजन कर रहे हैं ऊ से रू की मात्रा को। तो इन तीन मात्राओं में जो शब्द है वो मैं आपको पूछूंगी। चलो बच्चों मुझे ऊ की मात्रा के शब्द बताओ, छोटे ऊ की मात्रा के शब्द बताओ, तो आपको मुझे वो शब्द बताने हैं। यदि मैं पूछूंगी चलो बच्चों मुझे बड़े ऊ की मात्रा के शब्द बताओ, तो वो आपको बताने हैं। और यदि मैं आपको पूछूंगी कि चलो बच्चों मुझे ऊ की मात्रा के शब्द बताओ, तो आपको वो भी बताने हैं। और आप बहुत होशियार हैं, आप तो बता सकते हैं, क्योंकि इन सबका अध्ययन हमने अच्छे प्रकार किया है ना। तो बच्चों आज हमने ऊ से रू की मात्रा तक की रिवीजन की है और आपके अभी पहचान में ये अच्छे तरीके से आ रहा है ना। इसके बाद हमारे बारी आती है नोटबुक की, आती है ना। हाँ तो यहाँ पे मैंने रिवीजन लिखकर कुछ सवाल लिख दिए हैं जिस प्रकार मैंने यहाँ ब्लैक बोर्ड पे लिखे हुए हैं, तो ये आपको अच्छे तरीके से छुड़ा है। अच्छी तरीके से वो छुड़ाएंगे, है ना। हाँ तो जो बच्चे